सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज इन, और आज हम बात करने वाले हैं सुपरमैन शज़ाम द रिटर्न ऑफ ब्लैक एडम फिल्म के बारे में। ये एक्चुअल में कोई फिल्म नहीं है, एक शॉर्ट फिल्म ही है जो कि 25 मिनट के आसपास की पूरी फिल्म है, जो कि 2010 में आई थी, 9 नवंबर को रिलीज हुई थी। ये रिटर्न ऑफ ब्लैक एडम की कॉमिक से थोड़ी बहुत इंस्पायर की गई है, पूरी स्टोरी है जो कि हमें शॉर्ट में दिखाने की वहाँ पे कोशिश की है। तो चलिए आज हम देखते हैं सुपरमैन शज़ाम द रिटर्न ऑफ ब्लैक एडम की कहानी। तो लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है ब्लैक एडम के अर्थ के एंट्री से, जहां रात में वो सिटी के बाहर गिरता है। फिर हमें दूसरे दिन दिखाई देता है हमारा बिली बैटसन, जो कि अकेले जा रहा है और अकेले ही रह रहा है या फिर फावेट सिटी में स्लम एरिया में। और फिर हमें उसके बाद में पता चलता है कि जिन लोगों ने, यानी जिन माता पिता ने उसको गोद लिया था, उन्होंने उसको घर से निकाल दिया है। और वो अभी जा रहा है क्लार्क केंट से मिलने, जहाँ पे वो उसकी स्टोरी बताएगा, क्योंकि क्लार्क केंट वहाँ पे उसकी ही स्टोरी लिख रहा है। उधर जाते समय ही उसको कुछ गुंडे दिखते हैं जो कि एक आदमी को तंग करते हुए दिखते हैं, जहाँ पे वो बीच में ही कूद पड़ता है और उसे छोड़ने की वहाँ पे कोशिश करता है, जहाँ पे उसको मार भी लगती है थोड़ी बहुत, और वहाँ से वो निकल आता है। पर वो रहता है वो आदमी एक भिखारी, जिसको वो एक टोकन वाला जो उसके पास कॉइन रहता है वो उसे दे के वहाँ से निकल आता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं क्लार्क केंट वहाँ पे स्टोरी लिख रहा है, तभी वहाँ पे बिली बैटसन की एंट्री होती है। और जैसे ही ये लोग थोड़ी बहुत बातचीत आगे बढ़ाते हैं, तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है ब्लैक एडम की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे क्लार्क केंट हमारा कहता है कि भाई तू यहाँ से भाग जा, और तभी हमारा क्लार्क बन के आता है सुपरमैन और ब्लैक एडम को मारने लगता है। जहाँ पे मारते समय ब्लैक एडम धीरे धीरे करके हावी होते जा रहा है हमारे सुपरमैन के ऊपर, क्योंकि ब्लैक एडम के पास मैजिकल पावर्स होते हैं। मैजिकल्स की वजह से वो ज़्यादातर कारीगर नहीं साबित होता, यानी हमारा सुपरमैन, और वो बीट नहीं कर पाता। वहाँ पे ब्लैक एडम उसको हराते ही जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो बिली बैटसन है वो एक तरह से वहाँ से भागने लगता है, और भागते भागते जाता है उस सबवे की तरफ, जहाँ पे वो दौड़ते हुए वही आदमी को देखता है जिसने उसको सुबह बचाया था। तो वो आदमी वही कॉइन जो उसने टोकन दिया था वो बिली को वापस करता है, और बिली भागते भागते अभी सबवे की तरफ, यानी ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है नीचे अंडरग्राउंड जगह में, जहाँ पे उसके पीछे लगा है हमारा ब्लैक एडम। और वैसे ही वो भागते दौड़ते हुए पहुँच जाता है सीधा का सीधा रेलवे ट्रैक पर, जहाँ पे सामने से ट्रेन आती हुई दिखती है। और ब्लैक एडम को यहाँ पे लगता है कि वो एक्चुअल में मर चुका है, बट वो मरता नहीं है, वो चले जाता है ट्रेन के अंदर, जहाँ पे वो एकदम से ही ट्रेन रुक जाती है उस केव के अंदर। जहाँ पे केव में रुकने के बाद वहाँ पे विजार्ड दिखता है, जो कि इसको बुलाता है हमारे बिली को, और उसको बोलता है कि तुम्हें चुना गया है इस शज़ाम के लिए, यानी मेरी पावर्स के लिए तुम्हें चुना गया है, हम तेरे ऊपर कुछ टाइम से नज़र रखे हुए थे। और यही वो चीज़ें बताते हुए बताता है कि ब्लैक एडम को हमने चुना था कुछ 5000 साल पहले, जहाँ पे उसको सारी पावर्स दी थी, पर उसको पावर्स मिलने के बावजूद वो हो गया है करप्ट, और उसने खुद के लिए ही ये सारी पावर्स को यूज़ किया, और अब उसे ख़त्म करने के लिए तुम्हें चुना गया है। और एक्चुअल में यहाँ पे वो हमें, यानी तुम्हें बिली और विज़र्ड को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आया है, जो कि एक्चुअल में उसका बदला लेने ही यहाँ है। जहाँ विज़र्ड कहता है कि मेरा नाम ले लेना और मैं वहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने पहुँच जाऊँगा। और फिर वहाँ से बिली एकदम से टेलीपोर्ट होके उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे ब्लैक एडम और सुपरमैन की यहाँ पे फाइट चल रही है। जहाँ पे आते ही ब्लैक एडम उसको मारने लगता है, जहाँ पे ब्लैक एडम और उसके बीच में एक थोड़ी बहुत बातचीत भी हमें दिखाई देती है, और फिर वो भागते भागते ही बोल देता है शज़ाम। तो ऐसे ही हमारा कैरेक्टर सुपर हीरो आ जाता है, यानी हमारा जो ये छोटा सा बिली बैटसन था ये बन चुका है अभी सुपर हीरो शज़ाम। यहाँ पे फिर ये दोनों मिलके, यानी कौन, शज़ाम और सुपरमैन मिलके ब्लैक एडम को मारते रहते हैं, जहाँ पे ब्लैक एडम अपने दिमाग का यूज़ करके एक डैम को फोड़ देता है, जिसका पूरा का फ्लड का पानी वो उस सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे हमारा सुपरमैन उस पानी को रोकने के लिए चला गया है। और इधर बिली से ब्लैक एडम लड़ रहा है, यानी हमारे शज़ाम से, और तभी ब्लैक एडम एक लड़की को वहाँ पे होस्टेज कर लेता है कि तुम अभी नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ शज़ाम की फॉर्म से, और मैं इस हॉस्टेज को छोड़ दूंगा। जहाँ पे शज़ाम सुन लेता है और वो नॉर्मल अपने बिली वाले फॉर्म में वापस आ जाता है। फिर भी ब्लैक एडम उस लेडी को छोड़ता नहीं है, आकाश में फेंक देता है, जिसको पकड़ते हुए हमारा सुपरमैन नीचे आते हुए हमें दिखता है। और उसके बाद वहीं पे आ जाता है वही आदमी जिसको बिली ने बहुत बार बचाया अभी हाल ही में, और सबवे के टाइम पे उसने कॉइन भी दिया था वापस उसका। तो वो आदमी आ गया है, जो कि खुद को बिली का गार्डियन बताता है, जिसका नाम है ट्वेकी ट्वेकी,
जो एक एक्चुअल में टाइगर है, जो आते ही ब्लैक एडम समझ जाता है कि अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये गार्डियन है, ये कुछ भी कर सकता है, ये मार सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। इस वजह से वहाँ पे ब्लैक एडम को अभी हार माननी ही पड़ रही है और ब्लैक एडम बोल देता है शज़ाम, और बोलते ही वो अपने पुराने फॉर्म में, यानी अभी 5000 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसका मतलब ह्यूमन फॉर्म में वो तो जिंदा नहीं रह सकता, तो वो डस्ट बन के उड़ जाता है। और दोस्तों हम फिर दूसरे दिन देखते हैं कि वही सैम गुंडे जो कि बिली को फिर से तंग करने आ चुके हैं, जहाँ पे सिर्फ बिली हमारा स्माइल करता है और एक कड़कती बिजली के साथ इस शॉर्ट फिल्म का हो जाता है एंड। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट फिल्म है, एक तो 24 मिनट की है, पता ही नहीं चलता है कब खत्म होगी और इंटरेस्ट हमारा बना रहता है। सुपरमैन, ब्लैक एडम और शज़ाम की ये जो तिगड़ी है ये कि बहुत अमेजिंग दिखती है इस फिल्म में। आपने ये अगर फिल्म देख ली है तो नीचे कमेंट करके बता देना, कुछ मिस हो गया तो वो भी कमेंट कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने DC फैंस के साथ और सब्सक्राइब भी कर लेना मूवीज इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़।